भारत की भिड़ंत पाकिस्तान के साथ 15 अक्टूबर को होनी है। इस महा मुकाबले की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम करेगा। तो देखना होगा कि टीम इंडिया एशिया कप के लिए क्या कुछ तैयारी करती है और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए शाहीन शाफरीदी के लिए रोहित की सेना क्या कुछ स्ट्रेटेजी के साथ मैदान पर उतरती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान की सबसे बड़ी राइवलरी, जिसका इंतजार हमेशा से भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को तो रहता ही है, बल्कि दुनिया भर में मौजूद तमाम क्रिकेट फैंस हमेशा से इस मुकाबले का इंतजार करते हैं। ऐसे में जब एशिया कप में शाहीन शाफरीदी पहला ओवर लेकर आएंगे तो निश्चित ही कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल की परीक्षा लेंगे। वहीं अगर उन्होंने 2021 टी20 वर्ल्ड कप वाला कारनामा ही दोहरा दिया तो फिर तो भारतीय टीम को कोई भी नहीं बचा सकता, ये हम सब जानते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान पड़ेगा टीम इंडिया पर भारी। पूर्व खिलाड़ी ने कर डाली है बड़ी भविष्यवाणी। सईद अजमल का कहना है कि इस बार पाकिस्तान की टीम भारत पर भारी पड़ सकती है। इंडियन फैंस को जरूर परेशान करेगी ये बात। पाकिस्तान क्रिकेट को चाहने वालों के खेल जाएंगी बाछे। बाबर का भी बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस। भारत की बॉलिंग हमेशा से कमजोर रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए भारत की बॉलिंग ज्यादा खतरनाक होगी। मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 60% हैं। अगर पाकिस्तान ने उनको कम स्कोर पर रोक लिया तो पाकिस्तान कर जाएगा। भारत के पास दमदार बल्लेबाज मौजूद है, मगर हमारी बॉलिंग भी खतरनाक है, तो मुकाबला बराबर का है। आखिरी बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत साल 2019 के वर्ल्ड कप में हुई थी। अब जहां 15 अक्टूबर को ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने भिड़ने के लिए तैयार हैं। जो कोई नहीं कर पाया वो शाहीन शाहफरीदी ने कर दिखाया। पहले ओवर में 4 विकेट चटकाकर बल्लेबाजों को रचाया, इतिहास रचा और अद्भुत प्रदर्शन करके टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाई। बाप रे, ये शाहीन अफरीदी तो बेहद खूंखार है भाई। दोस्तों हैरान मत होइएगा अगर किसी दिन पाकिस्तान के खूंखार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पहले ही ओवर में 6 गेंदों पर 6 विकेट चटका दें, क्योंकि उनमें नई गेंद से एक ओवर में 6 विकेट लेने की काबिलियत है। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं, यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाल फिलहाल में शाहीन शाहफरीदी के परफॉर्मेंस को देखकर ये बात साबित हो रही है। दरअसल शाहीन शाहफरीदी एक मुकाबले में पहले ही ओवर में 4 विकेट झटक कर इतिहास रच चुके हैं। और ऐसे में एशिया कप से ठीक पहले जिस तरीके से शाहीन शाहफरीदी अपनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उसे देखकर अब टीम इंडिया की भी टेंशन बढ़ गई होगी। तो चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि शाहीन शाहफरीदी ने कहां पर अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया और क्यों वो टीम इंडिया के लिए आने वाले टूर्नामेंट्स में एक बड़ा सिरदर्द बन रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2023 में एशिया कप वनडे फॉर्मेट में 31 अगस्त से खेला जाएगा, जिसके 4 मैच पाकिस्तान में होंगे जबकि बाकी के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल आप सभी जानते हैं। एशिया कप को लेकर खूब विवाद हुआ, खूब कॉन्ट्रोवर्सी हुई। हालांकि अब इन सब कॉन्ट्रोवर्सीज को पीछे छोड़कर पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना कहर बरपाने को तैयार हैं। खासकर पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के तो क्या ही कहें। दरअसल हाल ही में क्या इंग्लैंड के टी20 ब्लास्ट में शादाब खान ने अपनी गेंद और बल्ले दोनों से कहर बरपाया था, वहीं अब पाकिस्तान टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन शाहफरीदी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है। जी हां, शाहीन शाहफरीदी ने पारी के पहले ओवर में 1-2 नहीं बल्कि 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरान हो गए ना, जिसके बाद टी20 क्रिकेट के इतिहास के पहले ओवर में सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाने वाले अब वो दुनिया के इकलौते गेंदबाज बन गए। पाकिस्तान के धाकड़ तेज गेंदबाज शाहीन शाहफरीदी ने गेंदबाजी से बवाल ही काट कर रख दिया, 4 विकेट चटका दिए, इतिहास रच दिया। और इस ऐतिहासिक ओवर में शाहीन की पहली गेंद वाइड रही जिस पर 5 रन ही आ गए। इसके बाद शाहीन ने पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट चटकाए, जबकि तीसरी और चौथी गेंद पर सिंगल गया। 2 विकेट लेने के बाद शाहीन यही नहीं रुके और 5वीं-6वीं गेंद पर फिर से लगातार 2 विकेट चटका डाले, जिससे एक ओवर के बाद बर्मिंगम के 7 रन पर ही 4 विकेट गिर गए। और शाहीन टी20 क्रिकेट के इतिहास में
पहले ओवर में 4 विकेट लेने वाले एक लौते तेज गेंदबाज बन गए। और हालांकि पहले ओवर में 4 विकेट लेने के बाद शाहीन को बाकी 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं मिला, जबकि 7 रन के स्कोर पर 4 विकेट खोने वाली बर्मिंघम के लिए रॉब येट्स ने पारी संभाली और 46 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्के से 65 रन बना डाले, जबकि अंत में जैक लेनोट 22 गेंदों में 3 चौके से नाबाद 27 रन बनाकर बर्मिंघम को जीत दिला डाली। बर्मिंघम की टीम ने पहले ओवर में 4 विकेट खोने के बावजूद 19.1 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाकर 2 विकेट से जीत हासिल कर डाली। नॉटिंघम शहर की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने जहां 4 विकेट लिए, तो वहीं जैक बॉल ने भी 3 विकेट चटकाए। भले ही इस मुकाबले में शाहीन की टीम को जीत ना मिली हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी के चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में है। खासकर उनका ये फुहार परफॉर्मेंस देखकर टीम इंडिया की टेंशन एक तरह से कहें तो बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया जानती है, मानती है कि शाहीन अफरीदी को खेलना टीम इंडिया के कई बल्लेबाजों को अखरता है। और ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का इंग्लैंड में किया गया प्रदर्शन भारत को श्रीलंका की धरती पर खेलने वाले मुकाबले के लिए अब डरा रहा होगा। फिलहाल तो शाहीन अफरीदी जिस लय में दिख रहे हैं, उसे देखकर तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस वक्त कांप रहा होगा। इंग्लैंड में की गई उनकी गेंदबाजी इतिहास के पन्नों में अब अमर हो चुकी है, दर्ज हो चुकी है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर वो किसी दिन पहले ही ओवरों में 6 गेंदों पर 6 विकेट चटका दें, तो हैरान और परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मौजूदा वक्त शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये कोई बड़ी बात। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग अटैक और बैटिंग को लेके इंडियन मीडिया में आने वाले वर्ल्ड कप और एशिया कप में काफ़ी ज़्यादा खौफ पाया जाता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, इस हवाले से भारतीय मीडिया में जोरों शोर से क्या रिपोर्टिंग हो रही है, और जबकि इंडियन मीडिया का दावा है कि शाहीन शाह अफरीदी एक ओवर में 6 विकेटें उड़ाने का हुनर रखते हैं और किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के आइकन को भी दबा दें।